वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात कर रहे हैं हिंदी मीडियम क्लास ट्वेल्थ। अपने चल रहा था दो किरेल केंद्र युक्त यौगिक। मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, किरेल केंद्र क्या होता है, एक किरेल केंद्र युक्त यौगिक क्या होते हैं, दो किरेल केंद्र युक्त अपनों ने यौगिक पढ़े थे, दो प्रकार के यौगिक पढ़े थे, एक में थे क्या था किरेल केंद्र के दोनों ओर असमान समूह है, और दूसरा प्रकार अपनों ने पढ़ा था किरेल केंद्र के दोनों ओर असमान समूह है। असमान समूह है ना, वो तो अपनों ने ढंग से पढ़ लिया था, समान समूह में कुछ परिभाषाएं थी। एक तो अपनों ने पढ़ा था लास्ट पार्ट में, देखना तुम, मेजोटाट्री कमल। मेजो क्यों बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था एरिथ्रो थ्रियो बनाना अपने सीख गए थे लास्ट वाले पार्ट में, तो उससे आगे परिभाषा आती है, वो आज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे सिलेबस में है, और वो परिभाषा तुम्हारी बुक में तो बहुत छोटी सी दे रखी है, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कुछ है ये जो टार्ट्री कमल मैंने बनाया है, इधर ये टार्ट्री कमल है, कल वाला जो पार्ट है उससे आगे चल रहा है अपना टॉपिक। टार्ट्री कमल का बनाते कैसे हैं वो मैंने सब बता दिया था लास्ट वाले पार्ट में तुम्हें, एरिथ्रो कैसे बनाया था, थ्रियो में वो नहीं बना रहा, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने तुम्हें बताया था कि टार्ट्री कमल का जो एरिथ्रो भाग है, एरिथ्रो युग्म है, उसमें दो समान समूह है एक तरफ होते हैं, इधर की तरफ देखेंगे एक तरफ, इधर की तरफ एक तरफ, इसको एरिथ्रो युग्म कहते हैं, और इस एरिथ्रो युग्म में सम्मिति तल पाया जाता है, ऐसा तल जिसकी दो भाग, जहाँ से दो भाग करने पर वो दो समान भागों में बंट जाए, इधर से देखो ये समान भाग, इधर से ये समान भाग, इसको अपने क्या बोलते थे, सम्मिति तल पाया जा रहा है इसके एरिथ्रो युग्म में, इसलिए इसको अपने कौन सा टार्ट्री कमल बोलते हैं। ये दोनों संरचनाएं आपको कहीं पे भी मिल जाए केमिस्ट्री में, तो इनको टार्ट्री कमल न बोलकर कौन सा टार्ट्री कमल बोलते हैं, मेजो भी बोल सकते हो आप, या मेसो बोल सकते हैं, मिसो भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलत नहीं है, मेसो टार्ट्री कमल। एक तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूं, बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टार्ट्री कमल में कितने समावयवी उपस्थित होते हैं, तो ये सममित तल के कारण क्या हो जाता है, प्रकाशिक एक्रिय हो जाता है, मतलब ध्रुवण घूर्णक प्रदर्शित नहीं करता, इसका मतलब ये जो दोनों है ये क्या है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। अब ये प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित करती, तो ये दोनों तो प्रकाशिक एक्रिय हो गई, प्रकाशिक समावयवता नहीं प्रदर्शित कर रहे, तो करेंगे कौन, ये दो करते हैं। एक तो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया, एक इसमें परिभाषा आती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं इधर लिख रहा हूँ उसको, आंतरिक प्रतिकार, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, आंतरिक प्रतिकार क्या होता है। देखो तुम्हारी बुक में एक लाइन में परिभाषा दे रखी है, मगर उस परिभाषा को रटने से क्या फ़ायदा, मैं थोड़ा पूरा समझा रहा हूँ, अपने को एक्सप्लेन नहीं करना, मगर परिभाषा आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा डायग्राम से कुछ बता रहा हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा आंतरिक प्रतिकार होता क्या है। देखो मैंने तुम्हें बताया था दो प्रकार के ध्रुवण घूर्णक होते हैं, एक तो होता है वाम, जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, अगर प्रकाश के तल को घुमा देते हैं, एक होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, जो घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब अपने को एक बार ये हटा रहा हूँ मैं, ये अपना कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करती, यहाँ से आंतरिक प्रतिकार समझ रहे हैं। अब देखो भी क्या होता है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, नया डायग्राम बनाना है, नया कुछ और इसकी परिभाषा लिखनी पड़ती है, वो बता रहा हूँ कैसे लिखोगे। देखो एक्चुअली क्या होता है, अपने मानते हैं जिधर की तरफ है, अब जी घुमाने को है ना, अपने थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल से करेंगे तो आपके नहीं है सिलेबस में, ट्रिक देखो, जिधर की तरफ वो होता है ना, उधर की तरफ क्या होता है, घूर्णन होता है, ठीक है, प्रकाश के तल को उधर की तरफ घुमाता है वो योगी। अब जिधर की तरफ OH है ना, उधर की तरफ देखो, अब OH इधर की तरफ है, इधर की तरफ OH है, आगे बात समझ में, इधर वाली साइड में
अब इधर देखो OH किधर की साइड में है, ये इधर H है भी। ये भी इधर H है, दोनों OH लिख दिए क्या, इधर भी H है, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ OH है, OH किधर की तरफ है, इधर वाले भाग में देखो, इधर की तरफ। अब इसमें देखो OH किधर की तरफ है, इधर की तरफ। इस वाले भाग में किधर की तरफ है, इधर की तरफ। इस वाले भाग में OH किधर की तरफ है, इधर की तरफ। इस वाले भाग में OH किधर की तरफ है, इधर की तरफ। तो देखो आपको पता लग जाएगा यहां से कौन सा प्रकाश के तल को किधर की तरफ घुमाता है, आगे की बात समझ में कुंडन करता है। इधर देखो, बताओ घड़ी की सुई की दिशा है या विपरीत दिशा, पहले ये वाला देखते हैं फिर ये वाला समझ में आएगा। ये त्रियु युग्म है, देखो भाई कहाँ चल रहा है चक्कर, घड़ी की सुई की दिशा में। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, दक्षिण ध्रुवन गुंडक हो गया या वाम, बताओ मुझे कौन सा हो गया, दक्षिण ध्रुवन गुंडक। आगे बात समझ में, कौन सा यौगिक हो गया, इसका मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं दक्षिण ध्रुवन गुंडक को, डी से। तो इसका मतलब ये कौन सा लैक्टिक, ये कौन सा टार्टरिक अम्ल है, डी। नीचे लिख रहा हूँ ये कौन सा हो जाएगा, डी। आगे बात समझ में, इसको बाद में लिखेंगे एक बार। अब इधर देखो किधर की तरफ घूम रहे हैं, OH इधर की तरफ, देखो किधर की तरफ जा रहा है ये तीर, इधर। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो गया L। या आप क्या कह सकते हो, इसका मतलब प्लस क्लॉकवाइज, इसका मतलब क्या होता है माइनस। क्या इसमें ऐसा हो रहा है फर्स्ट और सेकेंड, जिसको अपने बोलते हैं एरिथ्रो युग्म में हो रहा है क्या ऐसा, चलो करके देखते हैं। OH किधर की तरफ है, इधर की तरफ। इधर OH किधर की तरफ है, इधर वाले भाग में, इधर की तरफ। इधर वाले भाग में इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। तो देखो यहाँ पे इसका आधा भाग तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, दक्षिण ध्रुवन गुंडक, और आधा भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है, वाम ध्रुवन गुंडन। आगे क्या बात समझ में है, आधा भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है, दक्षिण डी, और आधा भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है, वाम। तो आधा भाग डी है और आधा भाग एल है, और इस प्रकार आधे आधे भाग एक दूसरे के प्रकाशीय गुण को क्या कर देते हैं, नष्ट। अब मान लो एक इधर से भाग रहा है, एक इधर से, और दोनों टकराएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। आगे क्या बात समझ में। तो इसका मतलब इस प्रकार के प्रतिकार को अपने क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रकार, आंतरिक प्रतिकार। आगे क्या बात समझ में। इधर देखो इधर की तरफ घोरा है, ये हो गया L, और इधर की तरफ देखो ये क्या हो गया, इधर की तरफ ये वाम, और ये इधर की तरफ घड़ी की सुई की दिशा में। तो आधा भाग D और आधा भाग क्या हो गया, L। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, एनी प्रॉब्लम्स? तो इसका मतलब क्या है, इनमें आधा भाग D होता है और आधा भाग L होता है, जो क्या करते हैं, एक आधा भाग का प्रकाशीय गुण दूसरे आधे भाग से टकराकर क्या हो जाता है, अपने प्रकाशीय गुण को नष्ट कर देता है। इस प्रकार के प्रतिकार को अपने कौन सा प्रतिकार कहते हैं, आंतरिक प्रतिकार। आगे क्या बात समझ में, ये मुझे समझाना था इसलिए मैंने वापस लिखा है पूरा, आंतरिक। मैं फिर से बोल रहा हूं, एरिथ्रो त्रियो समझना है तो पीछे वाला पार्ट देखिए, ठीक है। यहां पे केवल आंतरिक प्रतिकार बताया मैंने, बाकी सब समझा चुका हूं मैं पीछे वाले पार्ट में। आगे देखो आंतरिक प्रतिकार होता क्या है, अब इसको परिभाषित करना है। ऐसा अणु जिसके आधे भाग का प्रकाशीय गुण दूसरे आधे आधे दूसरे आधे भाग के द्वारा नष्ट हो जाता है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिकार। और इस प्रकार ये क्या हो जाता है, इनका ध्रुवण घूर्णन क्या हो जाता है, अघूर्णित हो जाता है। ध्रुवण घूर्णक का परिणामी विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य। तो इस प्रकार इनके घूर्णन का परिणामी विस्थापन क्या हो गया, शून्य। एक भाग इधर से आ रहा है, देखो दूसरा भाग इधर से आ रहा है, और ये क्या हो गया, नष्ट। एक प्रकाशीय गुण इधर से आ रहा है, दूसरा प्रकाशीय गुण इधर से, ये क्या हो गया, नष्ट। तो इसका मतलब इनका परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। और इस प्रकार के प्रतिकार को अपने क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिकार। बोलो भी समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है मैं तुम्हें ये बता देता हूं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आता है आंतरिक प्रतिकार किसे कहते हैं। आगे क्या बात समझ में, टार्टरिक अम्ल को मेजो टार्टरिक अम्ल क्यों कहते हैं, इसको मेजो रूप क्यों कहते हैं, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। आगे क्या बात समझ में, मेजो रूप किसको कहते हैं, मेजो रूप तुम्हें मैंने बताया था, सम्मिति तिल की उपस्थिति के होने के कारण ये प्रकाशीय कैक्रिय हो जाता है, इस रूप को अपने क्या बोलते हैं, मिजो रूप। तो इसका मतलब टार्टरिक अम्ल के एरिथ्रो रूप को क्या बोलते हैं, मिजो रूप कहते हैं।
और आधे भाग का दक्षिण ध्रुवन घूर्णन, आधे भाग का वाम ध्रुवन घूर्णन, और इस प्रतिकार को अपने क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिकार। आगे क्या बात समझ में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हो गया क्लियर। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, खत्म हो गया, आंतरिक प्रतिकार बताना था, ठीक है। आगे अपने आज मेन टॉपिक कौन सा करेंगे, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। देखो भैया, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा सूत्र। सबसे पहले बात ये आती है, ये अपने पढ़ क्यों रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो त्रिविमीय संरचना प्रदर्शित करते हैं। जबकि अपने इस बोर्ड की बात करें या किसी कागज की बात करें, उस कागज पे मुझे कार्बनिक यौगिक की संरचना बनानी है और वो कागज क्या होता है, द्विविमीय होता है। और किसी त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय में बनाना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। कहने का मतलब है किसी 3D संरचना को 2D में रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए फिशर, एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने एक सूत्र का प्रदर्शन किया, उस सूत्र को ही अपने क्या बोलते हैं, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। आगे क्या बात समझ में, क्यों यूज किया, क्योंकि त्रिविमीय संरचना को किसी कागज या श्यामपट या बोर्ड पर बनाना क्या होता है, कठिन होता है। क्योंकि श्यामपट, क्योंकि जो ये कागज होता है, क्योंकि ये पेपर होता है, वो क्या होता है, द्विविमीय होता है। आगे अपने को पता लग गया फिशर प्रक्षेपण सूत्र क्यों पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके अनुसार इसने क्या क्या पॉइंट दिए थे फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाने के। देखो भाई, सबसे पहली बात फिशर प्रक्षेपण सूत्र की, ध्यान से सुनना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही समझा दूंगा। देखो भाई, सबसे पहले क्या होती है, दो रेखाएं खींचते हैं एक दूसरे को लंबवत काटती हुई। पहली बात फिशर प्रक्षेपण सूत्र की, दो रेखाएं खींचते हैं एक दूसरे को लंबवत काटती हुई। आगे क्या बात समझ में, एक दूसरे को लंबवत काटती हुई, जिनमें से एक रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा और जिसमें से दूसरी रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा। देखिए ध्यान से, जिनमें से एक रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और जिनमें से एक रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा। और जिस बिंदु पे वो एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को अपने क्या बोलते हैं, किरेल केंद्र। तो आगे क्या बात समझ में, दो रेखाएं खींचते हैं एक दूसरे को काटती हुई, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और दूसरी क्या होती है, क्षितिज रेखा। अब किरेल केंद्र का मतलब इन कार्बन, किरेल कार्बन, और इस किरेल कार्बन से चारों समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न, ए बी सी और डी, रिप्रेजेंट करने के लिए बना दिया ऐसे। आगे क्या बात समझ में, ठीक है। अब देखो, दो पॉइंट हो गए क्लियर, पहला पॉइंट काटती है, दूसरा क्या हो गया, जिसका जो किरेल के अंदर, जो जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है वो किरेल के अंदर। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, देखो जो ऊर्ध्वाधर रेखा का जो बंद होता है वो तल के पीछे नीचे की ओर होता है। आगे क्या बात समझ में, तल के नीचे की ओर, और जो क्षैतिज रेखा होती है उसका जो बंद होता है वो तल के क्या होता है, ऊपर की ओर। कहने का मतलब है ये हो गया ऐसे, ये तल हो गया यहाँ पे, ये नीचे की ओर और इधर की है। आप इसको क्या मानोगे, इसको मान लो क्षैतिज रेखा के बंद, और इधर मैं मान लो इधर की तरफ ऊर्ध्वाधर। आगे क्या बात समझ में, तो दृष्टा की ओर कौन है, क्या क्षैतिज है या क्या ऊर्ध्वाधर है, दृष्टा आपकी ओर कौन है, दृष्टा की ओर क्षैतिज रेखा के बंद है। आगे क्या बात समझ में, जो तल के ऊपर की ओर होते हैं, मान लो ये इधर की तरफ तल है और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, तल के नीचे की ओर होती है, जो क्या होती है, दृष्टा से दूर होती है। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई, ऊर्ध्वाधर मतलब दृष्टा के पास, देखने वाले के पास, और क्षितिज मतलब देखने वाले से दूर, ऊर्ध्वाधर मतलब कागज के तल के नीचे, आगे, और क्षितिज मतलब कागज के तल के ऊपर बंद का पाया जाना। आगे क्या बात समझ में, तो ये अपने तीन बातें हो गई मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एक तो काटती है किरेल के अंदर, क्षितिज रेखा के जो बंद होते हैं वो तल के ऊपर की ओर, दृष्टा की ओर होते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा के जो बंद होते हैं वो तल के नीचे की ओर और दृष्टा से क्या होते हैं, दूर होते हैं। आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स। तो ये हो गया अपना क्लियर तीन बातें। अब आते हैं अपनी चौथी बात पर। अब बात है सर, क्षैतिज रेखा में ऊर्ध्वाधर में लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनना, जो कार्बन की मुख्य श्रृंखला होती है वो कहाँ पे लिखा जाता है,
ऊर्ध्वाधर रेखा पर मुख्य श्रृंखला को ऐसे लिखते हैं कार्बन की, और जो बचे हुए प्रतिस्थापी है उनको कहाँ पे लिखते हैं, क्षैतिज रेखा पर। आगे क्या बात समझ में, मुख्य श्रृंखला मतलब ऊर्ध्वाधर, प्रतिस्थापी यौगिक मतलब क्षैतिज, याद आ जाएगा हबी, ऊर्ध्वाधर मतलब मुख्य कार्बनिक श्रृंखला, क्षैतिज मतलब क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी। बोलो भाई समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह बता दिया तुम्हें। आप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात की ओर। देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा में, अब मुख्य श्रृंखला में इधर की तरफ टॉप ऑफ दी ऊर्ध्वाधर रेखा सबसे ऊपर की तरफ क्या लिखे, नीचे की ओर तरफ क्या लिखे, जो एक नंबर कार्बन है C1 कार्बन को लिखा जाता है ऊपर की ओर, मुख्य श्रृंखला का एक नंबर कार्बन ऊपर की ओर, और जो बचे हुए एल्केल समूह है उनको इधर की ओर। आगे क्या बात समझ में, तो ये हो गया आपका फिशर प्रक्षेपण सूत्र, बहुत ही सिंपल भाग है, मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया तुम्हें। ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं, जिस पॉइंट पे काटते हैं उसको किरेल केंद्र कहते हैं। आगे बात समझ में, अब लेते हैं उदाहरण। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया लैक्टिक अम्ल है उसका फिशर प्रक्षेपण सूत्र दीजिए, लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र दीजिए। पहले सबसे पहले बात, लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, CH3 इधर की तरफ आ जाएगा, CH इधर की तरफ कर देंगे OH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा COH। सबसे पहली बात मैंने तुम्हें बताया था ऊर्ध्वाधर में क्या लिखते हैं, मुख्य कार्बनिक श्रृंखला को, तो मुख्य कार्बनिक श्रृंखला कौन सी है, ये वाली। और मैंने तुम्हें बताया था ऊपर की ओर क्या लिखते हैं, एक नंबर कार्बन को लिखते हैं। ध्यान से देखिए संरचना की तरफ, क्या आपको एक नंबर कार्बन दिखाई दे रहा है, ये रहा एक नंबर कार्बन, ये रहा दो नंबर कार्बन, और ये रहा तीन नंबर कार्बन। अब इसको अपने लिख देंगे ऊर्ध्वाधर रेखा के रूप में, तो क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर लिख देंगे COOH, उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस बना देंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH3। यहाँ पे कार्बन लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना सीधे ही बनानी है अपने को। अब देखो अब क्षैतिज रेखा में प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, कहाँ पे प्रतिस्थापी समूह है वो रहे लिख देंगे अपने, कौन कौन से आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएगा OH और इधर की तरफ क्या आ जाएगा H। आगे क्या बात समझ में, ये बन गया लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, नेक्स्ट सूत्र अपने लेते हैं आपके बायोलॉजी में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो एलेनिन यौगिक, एलेनिन अणु लेते हैं अपने। आगे बात समझ में, क्या होता है सूत्र, एलेनिन का होता है CH3CH, इधर की तरफ क्या आ जाएगा COH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा NH2। हाँ लिख दोगे, मुख्य श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पे है मुख्य श्रृंखला, ये रही है भाई मुख्य श्रृंखला, बना दो इसको ऊर्ध्वाधर के रूप में, ऊपर की तरफ क्या है COH और नीचे की तरफ क्या है CH3, दोनों प्रतिस्थापी समूहों को कर देंगे यहाँ पे प्रदर्शित, एक तरफ क्या आ जाएगा NH2 और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा H। क्या आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्या मैं इस क्रॉस को किरेल कार्बन बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस कार्बन के चारों समूह क्या क्या है भिन्न भिन्न है, तो इधर की तरफ एक इसका रहा किरेल केंद्र, या इस कार्बन को अपने कौन सा कार्बन बोलते हैं किरेल कार्बन, इधर की तरफ क्या आ जाएगा इसका कार्बन आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, इसको भी अपने कहते हैं यहाँ पे किरेल कार्बन। बताओ भी समझ में आ गया क्या, अपने बोर्ड की जो बुक में है वो सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल और दे रखा है आपकी बोर्ड वाली बुक में वो भी लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ब्यूटेन टूल, या उसको अपने क्या बोलते हैं टू ब्यूटेनॉल। देखो भी कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आ जाएगा CH3 C C, और ये आ गया C, दो नंबर पे लगा देंगे OH। लो भी बन गया टू ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन टूल। सबसे पहले देखो एक नंबर कार्बन मुख्य श्रृंखला कौन सी है, एक, इधर की तरफ आ जाएगा दो, तीन, और इधर की तरफ चार। अब इस मुख्य श्रृंखला में अपने देखो सबसे ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3, तो क्या आ जाएगा एक नंबर कार्बन यही है भी, ऐसे बनाएंगे अपने क्रॉस, वही काम अपना फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाने का, ऊपर की तरफ लिख देंगे CH3 और नीचे की तरफ क्या लिख देंगे अपने, अगर आप इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हो,
अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। CH2CH3 क्या होता है अभी? एथिल होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? C2H5। आगे क्या बात समझ में? इस कार्बन की प्रतिस्थापी कौन कौन से समूह है? एक तरफ है अपने हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या है? OH। आगे क्या बात समझ में? क्या आपको यहाँ पे किरेल कार्बन दिखाई दे रहा है? हाँ भाई, मुझे भी दिखाई दे रहा है। दिख गया, ये रहा किरेल कार्बन। अब ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र अपनों ने बना लिया। बहुत ही सिंपल था, समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब इसमें भी कुछ शर्तें हैं, कंडीशन है, जो ये होगी करने वाले काम। अब एक नहीं करने वाले काम, क्या नहीं करना चाहिए प्रक्षेपण सूत्र में? देखिए, पहली बात ये है, जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसको कागज के तल से ऊपर नहीं उठाना चाहिए। आगे या कागज के तल के ऊपर नहीं उठाना चाहिए या कागज के तल को नहीं घुमाना चाहिए। पहली शर्त आगे समझ में। दूसरी बात, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में जो ये अणु है अपनों ने जो लिया है इसको 90 डिग्री व 270 डिग्री पर नहीं घुमाना चाहिए। आगे क्या, क्यों नहीं घुमाना चाहिए? क्योंकि इसका त्रिविम चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, त्रिविम सूत्र विन्यास चेंज हो जाता है। अगर अपने देखो इसको अपने घुमा कितने भी सकते हैं, 180 डिग्री, या आप इसको कितने भी, 360 तो वैसे ही घूम जाएगा, वही बन जाएगी, 180 डिग्री पे इसको घुमाना चाहिए। तीसरी बात, इसका जो अपनों ने समूह लिया है इन समूह को जो चेंज है वो दो बार करना चाहिए, एक बार चेंज नहीं करना चाहिए। मान लो इधर से मैं C2H5 को एक बार इधर ले गया, OH को इधर, आगे दूसरी बार क्या हो जाएगा? ये देखो CH3 को इधर ले गया, H को इधर ले गया, तो दो चेंज कहीं पे भी, दो बार चेंज कर सकते हो आप कहीं पे भी समूह है। आगे क्या बात समझ में? कहने का मतलब है सम संख्या में चेंज कर सकते हो, दो बार चेंज कर सकते हो, चार बार कर सकते हो, छः बार कर सकते हो, विषम संख्या में चेंज नहीं करना। आगे क्या बात समझ में? तो ये अपने कंप्लीट हो गया फिशर प्रक्षेपण सूत्र। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।